अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो तरीके की शरबत बनाने की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और पीने में बहुत ही रिफ्रेशिंग और सेहत और ताजगी से भरपूर है। गर्मी में हम सबको ठंडक पीने का मन करता है, तो ये रेसिपी आप सबके लिए है। बहुत ही कम बजट में ये तैयार होता है, जो कि टेस्ट में लाजवाब है। इसे मोहितो मॉकटेल के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके का तरबूज ले लिया है, वाटरमेलन। जितना हो सके इसके बीज को पहले निकाल लें, फिर बाकी का बाद में। इस तरीके से कट करने के बाद हमें निकाल लेना है, तो छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो अब इसका जो बीज है हम इसे निकाल लेते हैं। एक दो बीज रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं। तो देखिए, सारे बीज हमने निकाल लिए। तो चलिए अब इस तरीके से एक ग्लास ले ले या कप ले ले बड़ा सा, इसमें डाल देंगे आइस क्यूब पहले डाल दें। अब इसमें डाल देंगे वाटरमेलन। वाटरमेलन यहाँ पे भर के डालें, जितना आपको पसंद हो उतना डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनकर तैयार होता है ये। एक चुटकी इसमें पुदीने का पत्ता इस तरीके से बारीक चॉप करके डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और लेमन को हमने इस तरीके से डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे 5 से 6 चम्मच रूह अफ़ज़ा। अब इसमें पानी डाल देंगे, तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि रूह अफ़ज़ा जो है वो बहुत ही मीठा होता है, तो इसमें चीनी का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो फिर इसमें आप शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रूह अफ़ज़ा डालें, ये बहुत ही मज़े का लाजवाब बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं, ये आप इसे इफ्तार में भी बना सकते हैं। इसे पीने से बहुत ही प्यास कम लगता है, बहुत ही अच्छा और ठंडा फील होता है। तो देखिए, हमारा तरबूज मोहितो मॉकटेल बनकर तैयार है। बहुत ही रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक है ये, आप सब ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अब इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमने एक लेमन को छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है, और ये पुदीना का पत्ता है एक मुट्ठी इसमें डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा कुचल लेंगे, इसे दबा दबा के, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी। गर्मी में इस तरीके से आप सब इस ड्रिंक को ज़रूर से बनाइएगा। बच्चे को बड़े सभी बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो देखिए, हमने इसे दबा दबा के कुचल लिया। थोड़ा सा वाटरमेलन को भी इस तरीके से हम दबाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे फिर से हम एक कप लेंगे, इसमें डाल देंगे आइस क्यूब। अब कुचला हुआ इसमें पुदीना और लेमन इसे हमें सारा डाल देना है अच्छी तरीके से। अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा शुगर ज़्यादा डालें। और इसमें डालें थोड़ा सा हमने एक चुटकी पिंक सॉल्ट। अब इसमें डाल देंगे हम प्लेन सोडा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है ये। इसमें डाल देंगे वाटरमेलन को जो हमने मिक्स करके रखा था, उसे अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए, कितना झटपट से आसानी से हमारा तरबूज मोहितो मॉकटेल बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप सब ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके के सिंपल आसान रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।